ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलादि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का समय हो गया है। आप सभी गुरु भक्ति करने के लिए देश के विभिन्न नगरों में, शहरों में उपस्थित हैं। परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा को उद्देश्य बना करके 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव चल रहा है। आज हम आपको पूज्य माता जी के 38वें चातुर्मास सन 1990 की ओर ले चलेंगे। आज के महोत्सव का उद्घाटन हमारे बीच में पधारे हुए जरवल रोड से श्री अभय कुमार जी जैन आए और दीप प्रज्वलन करें। अभय कुमार जी जैन और उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र चंद्र कुमार जी पूरे परिवार के साथ आकर के सौभाग्य प्राप्त करें इस दीप के प्रज्वलन करने का। और हमारे बीच में फिरोजाबाद से आई हुई हैं, इनका नाम क्या, श्रीमती सुलोचना जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री धर्मचंद जी जैन, जो संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी श्रेया बहन जी की माँ हैं, आए और वो भी दीप का प्रज्वलन करेंगे। साथ में प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी दीप प्रज्वलन कराएं और स्वागत करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बड़े मंदिर अर्थात भगवान ऋषभ देव के दीर्घकाय जिनाले के अंदर इस ज्ञानांजलि महोत्सव के आज 38वें चातुर्मास को लेकर दीप प्रज्वलन किया गया। अब हम चलते हैं मंत्र आराधना की ओर। गणी ज्ञानमती माता जी की कर्मभूमि, तपोभूमि पावन तीर्थ हस्तिनापुर है, जहाँ भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ और भगवान अरेनाथ के चार चार कल्याणक हुए हैं। कल आपने बहुत सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन किए, जहाँ विश्व शांति जिनाले के अंदर 31-31 फुट के तीनों भगवान विराजमान हैं और अकृत्रिम चैत्यालय की छवि को दर्शाता हुआ वह जिनाले अत्यंत शोभा को प्राप्त है। उत्तर भारत के अंदर केवल ये प्रथम जिन मंदिर है जहाँ 3000 लोग एक साथ बैठकर भगवान की भक्ति आराधना कर सकते हैं। आज उसी जम्बूदीप हसनापुर का नंबर है, सन 1990 का चातुर्मास पूज्य माता जी का जम्बूदीप हसनापुर में हुआ। वहाँ के अखिल भारतीय महिला संगठन की महिलाएं श्रीमती नीतू जैन, रुचि जैन, चंचल जैन आदि महिलाएं और बाल संघ के बालकगण वहाँ उपस्थित हैं। और आज समोसरण, भगवान शांतिनाथ के समोसरण जिनाले में आप सब दर्शन करेंगे। समोसरण का पूज्य माता की प्रेरणा से बिल्कुल आगम के आधार से निर्मित वह समोसरण है। आज उसी हस्तिनापुर का स्मरण करते हुए भगवान शांतिनाथ के मंत्र की आराधना कराई जाएगी। 27 बार आप सब मंत्र का उच्चारण करेंगे। जबलो शांतिनाथ भगवान की। ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चरित्राय नमः स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। और आप सब सायंकाल तक भगवान शांतिनाथ के एक मंत्र की एक माला अवश्य ही फेरें। हमने कल आपसे पहेली पूछी थी और जिसका उत्तर आज शाम तक लोग भेजेंगे और उसमें से ही सही उत्तर देने वालों का लकी ड्रा कल निकाल कर नाम घोषित किया जाएगा। आज प्रश्न का नंबर है, प्रश्न को नोट कीजिएगा। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के चैट बॉक्स में जिनका सबसे पहले उत्तर आएगा और सही होगा उन्हीं को विजेता माना जाएगा और उनके पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। तो प्रश्न सुनिएगा। गणिनी ज्ञानमती माता जी का जन्म किस सन में किस तिथि को हुआ है? सन और तिथि आपको लिखकर भेजना है। दोबारा सुन लीजिए, पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी का जन्म किस सन में किस तिथि को हुआ है? लिख करके भेजिएगा और अभी कुछ ही क्षणों में आपका विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। अब हम अर्घ समर्पण की ओर चलते हैं। सायंकाल में भी आपको ध्यान देना है, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आरती के पश्चात प्रतियोगिता है। सौभाग्यवती रेखा पतंगिया जी इंदौर के द्वारा, जो महिला संगठन की इंदौर की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जोड़ी कमाल की, अब इसमें ये क्या कराती हैं आप लोग इंतजार कीजिए। सायंकाल में जोड़ी कमाल की इस प्रतियोगिता को श्री रेखा पतंगिया जी करने वाली हैं, उसमें आप सब लोग भाग लीजिए और रेखा पतंगिया के साथ जुड़ करके ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। अब हम चलते हैं अर्घ्यावली की ओर। सन 1990 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 38वां चातुर्मास हस्तिनापुर की धरा पर हुआ, जहां जम्बूद्वीप स्थल मैन मेड हेवन के रूप में माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसे जहां मानव निर्मित स्वर्ग कहा, वहीं अनपैरेलल क्रिएशन के रूप में एक अनुपम कृति मानी है। ये जैन भूगोल की अद्वितीय रचना है और विश्व में प्रथम बार 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत को लेकर के और 250 फीट डायमीटर के अंदर जम्बूद्वीप की रचना बनी हुई है, जिसमें लवण समुद्र के अंदर लोग नौका विहार भी करते हैं। मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक आनंद और पुण्य की प्राप्ति भी करते हैं। ऐसे उस परिसर के अंदर सन 1990 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का चातुर्मास हुआ, वहीं के जिनाले को अर्घ चढ़ाते हैं। आज विशेष रूप से भगवान शांतिनाथ के समोसरण में वहाँ के लोग उपस्थित हैं। इस समोसरण का निर्माण हमारी श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जालना महाराष्ट्र, इनके द्रव्य सौजन्य से निर्मित किया गया। साहू जी ने स्वयं खड़े हो करके बहुत परिश्रम के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी द्वारा निर्देशित समोसरण की रचना को 72 फुट ऊंचाई पर
अधर आकाश में प्रदर्शित करती हुई मनाया है। ऐसे ही समोस शरण के दर्शन करके आप अपने नेत्रों को भी सफल कीजिए और पूरे जम्बूद्वीप के चातुर्मास की अनुमोदना भी कीजिएगा। ईस्वी सन 1990 में 38वां चौमास हुआ, श्री ज्ञानमती गणिनी माता का जम्बूद्वीप प्रवास हुआ। सन 90 में श्रेयांश सागर मुनि पंचम पट्टाचार्य बने, 10 जून लोहारिया राजस्थान में संग चतुर्विधि के मध में। ईस्वी सन 1989 चौमासा जम्बू द्वीप हुआ, फिर उसके बाद बिहार सरधना और बढ़ोत की ओर हुआ। इस लघु विहार के बाद जनवरी 90 में वापस आई, हस्तिनापुरी की धरा पुनः माता को पाकर हर्षाई। चारित्र चक्रवर्ती गुरुवर की प्रतिनिधि ज्ञानमती माँ है, ये वीर सिंधु की शिष्या एवं संतों की दात्री माँ है। श्री जम्बूद्वीप का प्रथम पंचवर्षीय महोत्सव किया गया, श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी ह्रीम के भगवंतों की हुई। यहाँ अतिशाही कमल जिनाले पर कलशारोहण भी किया गया। श्री उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का स्वागत भी वहाँ किया गया। जिन धर्म खूब चमका प्रभावना सर्वोदय शासन की हुई, उस जिन शासन को नमन करूं जिसमें ये मात महान हुई। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम रीम अष्ट त्रिंशत चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थे विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम रीम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थे निर्मित भगवान शांतिनाथ समो शरणस्थ समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब पूज्य माते के लिए अर्घ्य अर्पण कीजिए। इच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सन 1990 में 38वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान अयोध्या शाश्वत तीर्थ में सन 2023 का 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में जलपलादि महार्घ्यम निर्पामीति स्वा वंदामि माते। जब लो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं, आप सभी पूज्य माता जी का प्रवचन सुनेंगे। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में समोह शरण से अभिषेक दिखाया जा रहा है, वहाँ के पुजारी जी भी हैं, बालकगण भी हैं, महिलाएं भी हैं, दिखाइए अभिषेक। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्र तर जलेन जिनम अभिषेचयामि स्वाहा दुग्धेन, जिनम अभिषेचयामि स्वाहा दूध से भी अभिषेक कर रहे हैं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम दुग्धेन परम पवित्रतर दुग्धेन जिनम अभिषेचयामि स्वाहा। बहुत ही प्रसन्नता और आह्लाद के साथ पूज्य माता जी भी मंगल अभिषेक को देख रही हैं, जम्बूद्वीप के कण कण को स्मरण करती हैं और जम्बूद्वीप में रहने वाले सभी भक्तों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, बालकों के लिए आशीर्वाद उनका प्रेषित है। ध्यान रहे आप सबको, जो ये ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव मनाया जा रहा है,
तो उसके लिए आपको 27, 28 और 29 अक्टूबर को जब आश्विन शुक्ला चतुर्दशी पूर्णिमा और कार्तिक कृष्णा एकम को त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में अयोध्या के अंदर गणी ज्ञानमती माता का शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सारे देश के भक्तगण तो हर साल पधारकर पूज्य माता के प्रति विनयांजलि अर्पित करते हैं, चरण प्रक्षाल करते हैं और पूज्य माता के कर कमलों में ग्रंथ भेंट करके ज्ञान दान का पुण्य अर्जित करते हैं। इस समय इस वर्ष कुछ विशेष आयोजन है, जब अवध की धरती पर पहली बार दक्षिण भारत से कर्नाटक तमिलनाडु से 14 भट्टारकों का आगमन हो रहा है। भट्टारक सम्मेलन एवं धार्मिक संवाद भी आयोजित है। सभी पीठाधीशर भट्टारक जी मिलकर के पूज्य माता के श्री चरणों में विनयांजलि समर्पित करेंगे और धर्मस्थल तीर्थ के प्रमुख श्री डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी भी पधार कर पूज्य माता के श्री चरणों में विनयांजलि समर्पित कर रहे हैं। अर्थात दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम सब तरफ से भक्तों का आवागमन अयोध्या में प्रतिदिन भी हो रहा है और शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव में आप सब लोग अभी से रिजर्वेशन करा लीजिए। 27, 28 और 29 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें 27 अक्टूबर को अखिल भारतीय दिगंबर जैन सर्व जातीय सम्मेलन होने जा रहा है, अधिवेशन। जैन समाज में 84 जाति हैं और 84 की 84 जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो पूरे भारत से लोग आने वाले हैं और दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अधिवेशन होगा, रात्रि में भी कार्यक्रम चलेगा। आप सबको भी जिनके यहाँ जिस जाति के संगठन है, अग्रवाल जाति, खंडेलवाल, पद्मावतीपुरवाल, जायसवाल, पोरवाड, इन सब जातियों में से 35 जातियों के संगठन की एड्रेस मिले हैं और हमारे हसमुख जी गांधी जो समाज के विशिष्ट कार्यकर्ता हैं, इंदौर के रहने वाले, वो समन्वयक बनकर और समिति के महामंत्री के रूप में इस कार्यक्रम का पत्राचार और समन्वयन कर रहे हैं। तो आपके पास भी सूचनाएं पहुंच रही होंगी, सब लोग उस दिन पधार करके और अपनी पूरी जातीय संगठनों की प्रगति रिपोर्ट सुने कि किस प्रकार से आज हमारे समाज के अंदर भी बड़े बड़े उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले लोग हैं और चाहे वो युवा हैं, युवतियां हैं, बालकगण हैं, सब लोग, इनका सबका अच्छे से परिचय आपको उस अधिवेशन में प्राप्त होगा। 28 तारीख को विनयांजलि समर्पण, गणी ज्ञानमती पुरस्कार का समर्पण होगा, सभी भट्टारक जी लोग का कार्यक्रम रहेगा, उनकी पाद पूजा वगैरह होगी और 29 तारीख को प्रातःकाल रथ यात्रा जुलूस के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। ये मैंने आपको सूचना दी है। आज हस्तिनापुर की धरती पर आदिनाथ फाउंडेशन वैशाली गाजियाबाद की ओर से कार्यक्रम विशेष आयोजित है। जम्बूदी भसनापुर में स्वामी जी को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में स्मरण किया, आग्रह पूर्वक निवेदन किया, इसलिए वहां पर अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए स्वामी जी जम्बूदी भसनापुर पहुंचे हैं। शीघ्र ही आपके बीच में पारस चैनल के माध्यम से उपस्थित होकर और कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे बताते हैं बताएंगे। आप पूज्य गणी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद आप सब श्रवण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वदोष शान्त्यावहितात्म शान्तेः शान्तेर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भव क्लेश भयोपशान्ते शान्तिर्जनो मे भगवान् शरण्यः। महानुभाव, हस्तिनापुर में निर्मित भगवान शांतिनाथ के समोसरण का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। 140 फुट ऊंचाई पर स्वामी जी ने इसको बनाया है और ये ऊपर में
समतल में है समोसरण, हमेशा ध्यान रखें। समोसरण में 8 भूमि और 3 कटनी रहती हैं, जैसे भगवान विराजमान होते हैं गंधकुटी में। तो ये शास्त्रीय समोसरण शास्त्र के अनुसार बना है। समतल में 8 भूमि है, पुनः से 3 कटनी में ऊपर में गंधकुटी है, गंधकुटी में भगवान विराजमान है सिंहासन पर। आगम के अनुसार, आगम के परिप्रेक्ष्य में पूरी रचना है। आजकल जो बनाते हैं कटनी बाई कटनी बनाने की परंपरा गली, ये मैंने पहले ही बताया था, ये गलत है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार 8 भूमि में जो मंदिर है और वृक्ष है और कल्पवृक्ष है, ध्वजाएँ हैं और स्तूप हैं, ये सब भगवान की जो शरीर की ऊंचाई है उसे 12 गुने 11 गुने ऊंचे हैं, सब मानसम के समान सब ऊंचे हैं 12 गुने 12। अगर एक कटनी बाई कटनी करेंगे तो सब चीज़ें मानसम से ऊंचे 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 होती चली जाएंगी। ये बिल्कुल ही आपको भी नहीं समझ में आएगा, आपको यूज नहीं होगा। तो इसलिए समोसरण की भूमि 8 भूमि बराबर में रहती है, ध्यान रखें 8 भूमि समतल में रहती है। पुराने समोसरण जितने भी हैं अजमेर में 67 भागचंद जी के सोनी के मंदिर में, शहर में जो मंदिर है उसमें, और जो सुजानगढ़ आदि में हमने समोसरण पाए थे, ऐसे ही समतल पे थे, अभी हैं वो। और ये समतल में नहीं, सब 8 भूमि होनी चाहिए। इस बात को मैंने कई बार प्रकाश में डाला है, यहाँ आप देख रहे हैं समोसरण को 8 भूमि समतल पर है और सब चीज़ें रत्ना दिखाई गई बहुत सुंदर। और भगवान गंधकुटी में ऊपर विराजमान है, 12 सभाएँ दिखाई गई हैं, और गंधकुटी में जो सुंदर रत्ना है, सुनहली सब सोने का काम कराया है स्वामी जी ने, बहुत सुंदर रत्ना है, 12 सभाएँ दिखाई हैं सब, ये और स्तूप आदि 12 सभा में सब बैठे हुए हैं, मुनिगण, आरिकाएँ, देव देवियाँ, श्रावक श्राविकाएँ और त्रियंत्र, पंचेंद्र त्रियंत्र। और गंधकुटी में भगवान सिंहासन में विराजमान हैं, और गंधकुटी में ध्वजाएँ हैं ऊपर में और शिखर है। तो ये शास्त्रीय समोसरण यहाँ हसना, यहाँ अयोध्या में अभी मंदिर बना हुआ है ऋषभ देव का समोसरण, जो सन 1994 में जिसकी पंचकिराणक हुआ था, 94 बना है। और ये बना है अभी वहाँ पर जिसका पंचकिराणक हुआ है अभी 2015 में, कितने में हुआ है अभी 2019 में, अभी इसका पंचकिराणक संपन्न हुआ है 2020 में, सन 2020 में अभी पंचकिराणक प्रतिष्ठा महोत्सव इसका संपन्न हुआ है हमारे सानिध्य में, सब यात्रा करके आने के बाद। और पहले समोसरण जो है 1998 में एक छोटा सा समोसरण बना करके धातु का, जो ट्रक पे विराजमान करके और जिसका भारत भ्रमण कराया गया था भगवान ऋषभ देव समोसरण श्री विहार करके, वो प्रयाग में विराजमान है। तो बात यही है, शास्त्र के आधार से हर एक रचना होनी चाहिए आदम के आलोक में, इस पर हमने कई बार प्रकाश डाला है। अब विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर में भी और अभी दशलक्षण पर्व में भी इस पर प्रकाश डाला था। अब मैं इसमें ले चलूँ आपको, जिस समय ये वहाँ पर ईस्वी सन 1990 का मेरा चतुर्मास हुआ है, तो उसके पहले बैसाख में जम्बूद्वीप का पंचवर्षीय महामहोत्सव हमने घोषित किया था, जो बैसाख शुक्ला तृतीया से जिसका झंडा रोहण होकर के और बराबर द्वादशी तक चला है। और ये पंचकिराणक जो जम्बूद्वीप की प्रतिष्ठापना तिथि थी उसी तिथि को लेकर के हुआ है, और उस प्रतिष्ठा उसमें पंचकिराणक प्रतिष्ठा भी हुई है, जो वहाँ ह्रीम विराजमान है, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है, वो भी कहाँ कहाँ होना। आजकल ह्रीम में भी जहाँ जहाँ प्रतिमा विराजमान कर देते हैं, गलत है, ह्रीम में भी प्रतिमा विराजमान करने का नियम है। कला में 2 पद्मप्रभु वासपूज, अर्धचंद्राकार में 2 चंद्रप्रभु पुष्पदंत, बिंदु में 2 नवीनाथ वंशव्रत, एक ही मात्रा में 2 सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, और हरा जो हा और रा है उसमें है 16 तीर्थंकर हैं, स्वर्णवर्णी पंचवर्णी ह्रीम। तो वहाँ पर धातु की पंचवर्णी ह्रीम बनाई गई थी
और उसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों का प्रतिष्ठा उस समय संपन्न हुई है। और जो 498 भगवान विराज 458 भगवान जो 13 दिव्य की रचना में है, जो कि इंद्रधनुष विधान में भी विराजमान करते हैं, 13 दिव्य रचना में विराजमान है मुख्य रूप से, तो उनके 458 भगवंतों की पंचकलाण की गई। लोग जगह जगह इंद्रधनुष विधान करते तो प्रतिमाएँ विराजमान करने के लिए हसनापुर से ले जाते हैं, विराजमान करते हैं, वहाँ पर डाकर विराजमान कर देते हैं। हसनापुर में विराजमान है यह 24 मंदिर में एक विराजमान है सब 458 भगवान। इनका भी पंचकनाड़क संपन्न हुआ, उस पंचकनाड़क महोत्सव के मध्य और पंचवर्षीय महामहोत्सव जो जम्मूद्वीप का चल रहा था, इसमें बहुत ही महोत्सव के साथ इसका झंडारोहण में उसमें केंद्रीय मंत्री थे उद्योग मंत्री अजीत सिंह चौधरी, वो आए थे और इसमें हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि की थी, यह भी दृश्य बहुत सुंदर रहा, लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। और हमने समय सार का हिंदी अनुवाद किया था, ज्ञान ज्योति चंद्रिका टीका जो छपा हुआ है उसका भी यहाँ विमोचन हुआ, अर्थशास्त्री के तीनों भागों का विमोचन हुआ, बहुत कार्यक्रम हुए, अनेकों कार्यक्रम हुए। और जो है पंचकनाड़क के मध्य भगवान के राजाभिषेक के दिन जो है पांडुशिला पर जो अभिषेक हुआ जन्माभिषेक का, और राजाभिषेक के दिन जो है वहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, और केसरिया परिधान में सब महिलाओं ने भगवान के जन्माभिषेक को जो किया है सुमेरु पर्वत के पांडुशिला पर, वो एक अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण था और बहुत ही महिमापूर्ण। अमरचंद जी पहाड़िया कलकत्ता के आए हुए थे जो हमारे पुराने बहुत भक्त थे, और पंचवर्षीय महोत्सव में वो आए थे और उन्होंने भी अभिषेक किया। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लखनऊ के सत्यनारायण रेड्डी वो भी आए थे समारोह में और जनसमूह में उन्होंने भी, और अध्यक्षता की थी श्री वीरेंद्र कुमार जैन चीफ जस्टिस जो लखनऊ में वो आए हुए थे, और उन्होंने भी सभा की अध्यक्षता की थी। तो बात यही है, ये सब जज साहब का आना और राज्यपाल जी का आना आदि के सब महोत्सव में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। और हमारे अर्थशास्त्री ग्रंथ समयसार ग्रंथ आदि के विमोचन के कार्यक्रम भी हुए। और एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय जो जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन हुआ था उस निमित्त से हजारों हजारों लोग जो जुड़े हुए थे वो सब आकर के अब सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक करने का लाभ ले रहे थे, क्योंकि वह सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक करने का एक आकर्षण ही अलग था। और है आज भी जो है भगवंतों के जन्माभिषेक में सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक कराया जाता है। आज ये सब कार्यक्रम संपन्न हुए और भगवान के पंचकनार प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ बैसाख में, और चातुर्मास मेरा वहीं हुआ। उस चातुर्मास के मध्य अनेक प्रशिक्षण शिविर विद्वानों के हुए और सेमिनार हुए, और मेरठ से अनेकों लोग आते रहे हैं और भाग लेते रहे हैं, सरकारी विभाग के लोग भी। और वहाँ पर जो है कभी आर्मी के बालक आ गए, कभी कोई, और उनके लिए भी प्रवचन आदि होते रहते हैं। तो बात यही है कि हसनापुर अपने आप में एक सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में जैन तीर्थ में एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। जम्बूद्वीप रचना, 13 दीप रचना, तीन लोक की रचना आदि जैन भूगोल से, और वहाँ की सुंदर शोभा जो है जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कर रखी है अपने आप में बहुत सुंदर, उसको सजा रखा है बाग बगीचे आदि से, तो लोग उसके देख कर इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि ये धरती का स्वर्ग है और उसे धरती का स्वर्ग बोलते हैं। तो बात यही है कि अपने आप में ऐसा तीर्थ जो आपने पाया हमने पाया है, ये हमारे और आपके पुण्य से। और इन जो नेताओं ने आकर कहा तो उन्होंने यही कहा कि महाभारत की विजय भूमि है, महाभारत का युद्ध हुआ यहाँ पर,
लेकिन पांडव पांच होकर भी विजयी हुए, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे और अधर्म के पक्ष में होकर के 100 कौरव भी पराजित हुए। तो यह धर्म की विजय भूमि है। मैं भी कई बार कहती हूँ कि रक्षाबंधन पर्व में भी देखो धर्म की विजय हुई है। 700 मुनियों पर जो बलि ने उपसर्ग किया और विष्णु कुमार महामुनि ने रात में आकर के उज्जैनी से आकर के उपसर्ग दूर किया, ऐसे धर्म की विजय भूमि है। रक्षाबंधन पर वहाँ से चला तो बात यही उसका भी इतिहास वहाँ बन गया है। तो धर्म की विजय भूमि हसनापुर और वहाँ पर ये जैन भूगोल की रचना अपने आप में आकर्षण का केंद्र, और ये पंचवर्षीय महोत्सव हमेशा वहाँ होते रहे हैं, होते रहेंगे। और पंचवर्षीय महोत्सव मैंने मांगी तुंगी में भी घोषित किया है, भगवान ऋषभदेव का पंचवर्षीय महामस्काभिषेक होता रहे। यहाँ पर अयोध्या में मैंने घोषित किया था पंचवर्षीय महामहोत्सव होता रहे, महामस्काभिषेक होता रहे, तो यहाँ भी होता रहता है। तो बात यही है कि हम अपने अपने तीर्थों पर पंचवर्षीय महामहोत्सव आदि कर करके और उस तीर्थ की कीर्ति को तो संसार में बढ़ाए ही बढ़ाएँ, लोगों के पुण्य को भी वृद्धिंगत करें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आचरण।